एक सुंदर सुनहरा अवसर। नेचर फेस्ट 2024 होशियारपुर के लोगों के लिए एक उत्सव, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज द्वारा 1 मार्च से 7 मार्च के बीच आयोजित किया गया था। उसी का एक हिस्सा था विजिट टू सॉलिस रिट्रीट सेंटर नारा टाडा। आइए दिखाते हैं जीबीसी अपडेट की कवरेज, जिसमें उन्होंने होशियारपुर एडमिनिस्ट्रेशन की सॉलिस विजिट को कवर किया है। अगर सुंदरता की बात करें तो असीम सुंदरता, और अगर आध्यात्मिकता की बात करें तो उच्च कोटि की आध्यात्मिकता। सॉलिस रिट्रीट सेंटर, जो कि एक बेहद शांत और शुद्ध वातावरण प्रदान करता है उन सभी लोगों को जो प्रभु से जुड़ने की इच्छा रखते हैं, नकारात्मकता की दुनिया से दूर एक सुंदर दृश्य जहां हर तरफ प्योरिटी नजर आती है। ये सेंटर ITL के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री दीपक मित्तल जी द्वारा बनाया गया है, और ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें उनका अपने साथ साथ औरों को भी प्रभु से जोड़ने का भाव निहित है। अपने प्रियजनों के सहयोग से वे निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस सेंटर में रजिस्टर्ड मेंबर्स को 3 डेज रिट्रीट कराया जा रहा है, जिसमें ध्यान, योग और डिवोशनल सिंगिंग का खास अरेंजमेंट है। 3 दिन कुदरत की गोद में रहने के लिए फैसिलिटीज से भरपूर कॉटेजेस का इंतजाम भी है। हर जरूरत के लिए भी पुख्ता इंतजाम है। नेसल्ड इन द सेरीन एम्ब्रेस, दिस सेंटर ऑफर्स अ हेवन ऑफ ट्रैंक्विलिटी फॉर वेरी सोल्स सीकिंग रेस्पाइट फ्रॉम द कायोस ऑफ एवरीडे लाइफ। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज वर ऑल्सो इंचेंटेड by the untouched beauty and the gentle whispers of wind at the time of sunset. So let us have some highlights of spiritual singing. They all enjoyed that during their stay. Let every single person enjoy the divinity of this place in the times to come.
मैनू ना एक लाइव सैंपल दो गैल पड़ाका हुंदा की है मेरे भाई और उनकी बहनों और प्यारे देशवासियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब से हमारी सरकार आई है यहाँ कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, सबको सरकारी नौकरियां प्रदान की गई है और सबके खातों में 15-15 लाख रुपए जमा किए गए हैं। हाँ, मेरा नाम तो रामविलास है और तो यूपी में गोटा कर दिखाता है और तो मेरे तो बलात्कार हो गया। गैल पड़ाका तेरे कोलो हो गया कि तेरे ते हो गया? मेरे ते हो गया जी, मौत पजा पजा पंजाब भी चाया पर पंजाब के लोग बहुत बुरे हैं। अपना बंदा सीगा, क्यों ना आपां इह सैंपल इत्थे ट्राई करके देखिए। इह सैंपल मेरे कोल है। गैल काली उपर जिन्हें ना पड़ाका लग रहे हो। बर्बाद हो गई, चार गल्लां मेरे नाल प्यार दे करदे, तेनू शर्म आंदी आ इत्थे इहदे नाल कर रहे बेबी? बेबी मुंडा है, मुंडा मुंडा है, बंदा है। तिन्ने भी तेरी जनानी हो बेबी, बंदा है ओ ओ ओ की ओहो ओ माय गॉड, किन्ने किया सी तन्नू इहदे नाल आउण नू? मैं नहीं आया, मैनू ले आया बाबू, मैं तां सब्जी लै रहा सन, मैनू नहीं पता लगदी। चल तू तिन्नू मैं दस दिया मेरी बच्च। ओए सुबह सुबह जैसे हम उठते हैं तो उठते भागना शुरू हो जाते हैं, तो अगर हम बर्ड्स को देखें जैसे ही मतलब के सनशाइन रहती है, सनशाइन में वो तकरीबन उनकी आंखें बंद रहती हैं, तो इनको मैंने फिर कैप्शन दिया मेडिटेटिव आउट।
तो ये हमारे तकनीकी ट्रैप कैमरा की फोटो है, ये हमारे इंटरनल विजिटर हैं। ये मतलब जैसे हम माइग्रेटरी बर्ड्स की बात करते हैं हमेशा, हम कहते हैं वाटर बर्ड्स, वाटर बर्ड्स। बहुत से प्लेन बर्ड्स भी आते हैं, जो मैं आपको एक दो दिखाऊंगा, यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये जो बर्ड है ये इंटरनल माइग्रेटरी है, और इसकी आवाज़ जो है बहुत मतलब फ्रिक्वेंसी बहुत लाउड होती है और बहुत सुंदर होती है। इसका नाम है जी इंडियन पिता, तो और इसका पंजाबी बोलते हैं नॉर्मल। तो सबसे जो अच्छी बात यह है कि हमारे पंजाबी ने हमें ये प्रेजेंट करते हैं कि हमारे बुजुर्गों को शायद इनके नाम मतलब पता थे कभी, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने पंजाबी नेम बनाए थे। यहाँ मैम कुछ मैमल्स हैं, जैसे मंकी को भी देखते हैं तो लौटती ही एक पिक्चर सामने आती है, लेकिन ये मैंने पोज कैप्चर किया था, इसको कई एग्जीबिशन में काफ़ी अच्छी मतलब अप्रिसिएशन भी मिली है कि उसको मदर हुड में देखता हूँ। कि जब मतलब जो भी जानवर है हम उसको अपने हिसाब से देखते हैं, अपने विचारों के हिसाब से देखते हैं। तो ये सांबर ये तकनीक है, और ये लेपर्ड्स ऑफ, जैसे ये राजस्थान की फ़ोटो है लेकिन होशियारपुर में मैंने लाइव खींचे, ये भी लाइव खींचे हैं 40 फीट से। तो ये बेड़ा राजस्थान का है, और सांबर कब, ये हमारे ट्रैप कैमरा की फ़ोटो तकनीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये मेरा जो है 11 जून 2018 का इनकाउंटर है जी ट्रैक्टर के ऊपर डोंगी चौक का द्वार की। तो 11:30 बजे करीब मतलब ये 2018 की बात है, और जब ये हो गया था कि कैप्टन साहब ने ये ऑर्डर दे दिया था कि अगर ये ज़्यादा तंग कर रहा है तो आप इसको कर दो रूम के पिंजरा लगा दो। मैं टेंट लगा कर वहाँ पर फर्स्ट टाइम रहा था, मैंने कहा था कि नहीं। और हमने संजय गांधी नेशनल पार्क से मिस्टर जयपाल हैं उनके सार्वजनिक फाइल होती है वो मैंने वहाँ से मंगवाई, और रात को हमने इसके एरिया में स्प्रे करी। जब स्प्रे करते हैं वो भाग जाते हैं, तो तब वो स्प्रे करते करते बिल्कुल एकदम सामने आ गया। और मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन मोमेंट है कि 3 मिनट हम इसके साथ रहे, और गांव के जो सरपंच का बेटा था वो ट्रैक्टर चला रहा था, या ट्रैक्टर के 12 फीट की दूरी है सर इसको कैप्चर करने के लिए। और जब मैं वापस गया तो मैंने बोला कि देखो सरपंच जी के बेटे ने देखा है, वो आम तुम नहीं है। वो कहते हैं डॉक्टर तो सदाई है, तू भी सदाई हो गया। लेकिन इसकी सबसे जो मेरी ज़िंदगी का मतलब मेमोरेबल मोमेंट है कि ये आ गया सर वहाँ पर, पूरे गांव के सामने बैठा, और 45 सेकंड हम लोगों ने इसकी वीडियो बनाई, उसके बाद चला गया, फिर वापस नहीं मिला। फिर चंडीगढ़ से भी टीम आई, पटियाला से भी टीम आई लेपर्ड को देखने के लिए, लेकिन नहीं मिला। मतलब ये ऐसा जानवर है, हम कहते हैं ना अगर मुझे कोई 1,00,000 रुपये मैम दे दें तो मैं दिखा नहीं सकता। और इसकी एक खूबी है इस जानवर की, हम जब ये 100 टाइम हमें देख लेता है तो ये खुद डिसाइड करता है कि मैंने किसी को दिखना है या किसी को नहीं दिखना। और जब ये हमें, हम कहते हैं ना जो लेपर्ड दिखा तो उसने आपका आपके ऊपर वो हंट मतलब के अटैक क्यों नहीं किया, जब वो दिखता है ना तो उसका मूड होता है कि अटैक नहीं करना है, जिस पर अटैक करना है उसको दिखता नहीं है। ये मतलब जंगल की थ्योरी है, जंगल का ज्ञान है जो मैंने उन चीज़ों से सीखा है। तो ये है बाकी देर। तो जब मैं जंगल में जाता तो बड़ा हैरान था मैं, क्या यहाँ पर मैम एक और चीज़ है, जब मैं बचपन में इन जंगलों में घुमा हूँ तो यहाँ पर हाइनास रहे हैं, लकड़बग्घे और बाकी के डियर मैंने खुद देखे हैं। लेकिन अब क्या है, लकड़बग्घे डेंसिटी खत्म होगी जंगलों की, और हिरणों का तो शिकार हो गया, लकड़बग्घे डेंसिटी की वजह से कम होते चलेंगे। तो जब वो भागते थे थोड़ा बहुत पता चलता था, लेकिन मैं सोचा पता नहीं कौन भागते, ये बाकी डियर है, ये मतलब डॉग की तरह भागते हैं। हाँ, और ये मेल है, मेल की यही निशानी के इसके सींग होते हैं। ये ट्रैप कैमरा की फोटो है तकनीकी, और ये मेरी लाइव है, क्योंकि इसको जैसे मैं बैठा हूँ पक्षियों को खींचने के लिए, पीछे से आहट हो रही है और मुझे कर्म चाल से पता चल गया कि ये है तो हिरण ही। धीरे आया और मैंने बिल्कुल धीरे धीरे टर्न किया, और इसमें इसलिए आप देखोगे ये थोड़ा सा ना मतलब सोच में आया कि क्या है, और जैसे ही मेरे कैमरा की क्लिक हुई इसने दूसरा शॉट नहीं दिया मुझे, मतलब 12 फीट का जब भाग गया। मतलब एवरी फोटो हैव ए स्टोरी बिहाइंड। और ये हमने किसी के घर से पकड़े थे जी, इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कंजर्वेशन में काम करते हैं जयपाल है मैंने गिद्दड़, तो ये फिर हमने डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दी थी। तो मतलब इनका एक अमेजिंग संसार है हमारे, अगर बच्चे यहाँ हम जैसे करते हैं कैंपिंग करते हैं ट्रैकिंग करते हैं, लेकिन हम अगर कनेक्ट कर पाए ना सर, हमारा कनेक्शन मिस है। हम जंगल में भी जाते हैं ना मैम, हम लग्जरी ढूंढते हैं, हम जंगल में भी जाते हैं वहाँ भी देखते हैं कि खाने को क्या है पीने को क्या है, वो तो सब कुछ आप देखिए कि मतलब जंगल का जानवर आप इसकी फील होगी वो क्या खाता है वहाँ, तो वो एक कनेक्शन जो है ना वो मिस है। तो हमारा जो एनजीओ है ये यही है, ट्राइंग टू एस्टैब्लिश ए कनेक्शन बिटवीन पीपल चिल्ड्रन एंड नेचर। तो ये कर लेपर्ड है, ये भी ऐसे किसी रात को बताता हूँ नज़दीक। तो ये जो है ये मैम हमने कूपर नेट से रेस्क्यू किया था,
तो ये इसकी पिंजरे की फोटोग्राफ है और ये है जी बड़ा मतलब मैं हिस्टोरिक भी कहता हूँ और अपना शिव कुमार बटालवी जी का शिकरा। सबको मैं बताइए, सबको मैं बताता हूँ कि जो भी कोई पोएट बहुत लेवल अचीव करता है ना, वो अपने सब्जेक्ट के साथ बहुत, जैसे मैं अपने सब्जेक्ट के साथ बहुत मिक्सअप हूँ, तो जो शिकरा फीमेल होती है, ये एक ही बर्ड है जो जिसमें फीमेल बड़ी होती है और मेल छोटा होता है, और राजस्थान की जो औरतें हैं इसे शिकार करने के लिए पुराने समय में पालती थी। और इसके बारे में शिव कुमार बटालवी ने लिखा, माए नी माए में शिकरा यार बनाया, कहता चूरी कुट्टा चूरी पावा ते खांदा नहीं असं दिल का मास खवाया। मैं पोइट्री को बिल्कुल लाइक नहीं करता था, लेकिन फिर मैंने जब समझा चूरी कुट्टा तो खांदा नहीं मैं दिल का मास खवाया, कि ये जो शिकरा है ना, ये अपने मालिक के लिए भी अगर बर्ड पकड़ता था उसके उसका सबसे पहले दिल खाता है, बाकी सब छोड़ देता है। फिर वो कहता एक उड़ारी उन्हें ऐसी मारी तो मुड़ वतनी ना आया। तो उसका ये है कि ये 2 साल मालिक के साथ रहेगा, लेकिन उसका पता कोई नहीं है कि हंट के लिए गया वापस आएगा या नहीं आएगा। तो थे तो वो पोइट, लेकिन एक ऑर्निथोलॉजी की इतनी डेप्थ बीइंग ए पोइट, वो ये बताती है कि जो भी बंदे का जो सब्जेक्ट है ना, चाहे पाइन एंड कुछ भी, वो सब्जेक्ट के साथ बिल्कुल मिक्सअप हो जाते हैं। ये नथैच है, ये राजस्थान से मेनली माइग्रेट करता है, बहुत फास्ट मूव करता है, इसकी जो 270 डिग्री इसकी गर्दन जो मुड़ जाती है उनकी तरह। और ये है रूफस बेलिड नथैच, और इसका जो पंजाबी नेम है बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, सिरी। तो शायद हमारे बुजुर्गों ने इसलिए रखा हुआ कि सिर बहुत घुमाता है, वेरी हार्ड टू कैच सिरी। आइए सर आगे चलते हैं। एक टर्बल माइग्रेटरी है हिमालय से, फुलवस ब्रेस्टर्ड वुडपैकर, और ये एक बहुत अच्छी फाइंड है। जब मैंने इसको IUCN पर भेजा था तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि डॉक्टर साहब आपका रिकॉर्ड गलत है, लेकिन फिर मैंने उनको बहुत सारे शॉट भेजे। मैंने कहा मैंने कोई ऐसे नहीं फ्रेम किया, मेरे पास क्योंकि एक फ़ोटो आती है, सर भी मैम बर्ड फोटोग्राफी के बहुत अच्छे मतलब माहिर हैं, और जब भी हम फोटो खींचते हैं उसमें 50-60 शॉट तो ले ही लेते हैं। फिर मैंने सारे शॉट भेजे, देन मैं रिकमेंड कि हाँ वहीं पर होगा। और उसके बाद मैं बताता हूँ, ये मैम ओरिएंटल वाइट आई और पंजाबी नेम है सुनखी, वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, और दिखने को ही लगता है कि जैसे बिल्कुल ब्यूटी पार्लर से भी आई हो। और दिस इज द क्लिक ऑफ 29 जून 2018 एट ऑलमोस्ट 1:30 एट द नाइट और इन द मॉर्निंग, वेरी मॉर्निंग। और ये मैम अपनी गाड़ी के 30 जून को मेरा बर्थडे होता है, और इसको 1.5 साल लगाया मैंने कैप्चर करने के लिए, और उस दिन मैं ब्लेस हुआ रेंज अफसर थे रामदास जी उनके साथ, मतलब जिस हमें सड़क पर बैठी मिल गई, 100 मीटर गाड़ी खड़ी की पहले पीछे, फिर गाड़ी की लाइट से मैं उसके साथ आगे बढ़ा 20 मीटर तक पीछे, फिर खड़ा 12 फीट तक क्रॉल करके गया और इसका क्लिक किया। और इसकी स्केयर आई है, स्केयर आई सबको पता है, लेकिन ये सब रात को ही खुलती जब इसके ऊपर पूरी लाइट पड़े, दिन में बहुत बर्ड कैप्चर हो जाता है लेकिन इसकी आई नहीं खुलती है। और ये भी मैम अभी तो वैसे काफ़ी जगह पर इसकी इंडियन नाइट जार है वो रेजिडेंट है, ये है स्वाना नाइटजार, तो साउथ अफ्रीका से माइग्रेट करती है। और ये वल्चर जो हम पहले बहुत देखते थे डिक्लोफेनाक की वजह से सारे खत्म हुए, लेकिन जो खत्म हुए वो वाली प्रजाति अभी नहीं है यूरेशियन वल्चर की, ये हिमालयन वल्चर है। और ये जो प्राला है, ये है अपना जो पंचकुला वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है, उनकी बहुत हेल्प है, और अब ये हमारी पहाड़ों में वल्चर बहुत ज़्यादा है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब वहाँ के डॉक्टर साहब मेरा टाई अप हुआ था, उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब आप ना वो हड्डा रेडी टाइप वहाँ बनाइए, तो मैंने डिपार्टमेंट को बोला वो फोन करेगा। अच्छा नहीं, बल्चर के बारे में बताना चाहूँगा। हाँ। पठानकोट में हमने एक रेस्टोरेंट खोला है, बल्चर रेस्टोरेंट बोलते हैं उसको, धार तो बेसिकली, हाँ धार कला में वहाँ पे, तो बेसिकली उसमें ये है कि जो हड्डा रोड़ी से जो जानवर मर जाते हैं वो हमारे एक लैब में है, उसमें लैब में डाइक्लोफेनाक के उनके मीट का टेस्टिंग कर लेते हैं, अगर उसमें डाइक्लोफेनाक नहीं है तो फिर एक प्लेटफॉर्म बनाए, 2-3 प्लेटफॉर्म बनाए, तो वहाँ पे जाके वो एनिमल्स को कारकस ऐसे रख देते हैं, तो उसमें जो 3 हमारे डिस्टिंक्ट बर्ड्स हैं वो अब आना शुरू हो गया है वल्चर से। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, बीच में भी रुक गया था, अभी पता नहीं अभी स्टार्ट किया कि नहीं, दोबारा किया है, तो वो चल गया। बताता हूँ स्पेनिश लोग, ये मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है 1994 से 2006 तक जो वल्चर का डिक्लाइन हुआ उसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को $30 अरब का घाटा हुआ। और वो कैसे हुआ, क्योंकि वल्चर खत्म हुए तो जितने भी डिक्लोफेनाक वाले वो जानवर थे वो सारे खाए डॉग्स ने, और जो डॉग्स थे वो इतने ज़्यादा हार्मफुल हो गए कि उन्होंने बच्चों को खाना शुरू कर दिया, रेबीज के केस बढ़ गए। और इसकी पूरी एक स्टडी है, 200 पेज का वो डॉक्यूमेंट है जो मेरे पास है। रोडेंट्स का भी है, चूहों का भी है। हाँ जी बिल्कुल मैम, रोडेंट्स का भी है, और
इसलिए वेटरनरी यूज में डाइक्लोफेनाक को बैन भी कर दिया गवर्नमेंट ने। यहां वो बैन वाली चीजें भी ना दो नंबर में। हां चलो वो तो हो जाती है बट यूज तो कम हो गया होगा। हां कम तो है, कम है, चोरी छुपे चलो जो भी ह्यूमन यूज के वाले कर देते हैं वेटरनरियंस। जैसे अभी राउंड अप है, राउंड अप का लिवर के ऊपर कितना निकला है लेकिन राउंड अप कितनी धड़ल्ले से बिक रही थी। हम बहुत बाद में चलते हैं एक्चुअली बट इसमें डाइक्लोफेनाक से इनका किडनी फेलियर से बहुत ज्यादा है। हां जी हां जी करती है सर की उम्र ज्यादा लोग ग्राफ मानने के लिए उम्र राउंड अप मार रहे हैं। आइए सर लास्ट स्लाइड है सर। जैकोबिन कुकू गान पपीहा, तो पपीहा सबने सुना है जी, गाने भी बहुत है पपीहा जब पपीहा के ऊपर। और ये साउथ साउथ अफ्रीका के बर्ड है जी, इसने हमें हमारे यहाँ पर आना है जी मई एंड में। और जैसे हम कहते हैं पपीहा अमृत के लिए बोले यार, वो तो चलो बोलता ही है, सारे पक्षी बोलते हैं लेकिन इसको क्यों कहा गया, इसकी आवाज़ बहुत मेलोडियस है। और दूसरा यहाँ पर ना बड़ी मिक्स भी थी कि इसके सर पर छेक होता है, पहले स्वांति बूंद पीता है, एक्चुअली स्वांति बूंद नहीं पीता, इसके बोलने से बारिश नहीं होती है, ये आता ही तब है जब बारिश होने लगी। और जो इसके सर के ऊपर चोंच वाली बात है वो जैसे ये क्रेस्ट है ना, दूर से अगर देखें तो बहुत नज़दीक में, दूर से देखेंगे तो ऐसे लगता है कि सर पर चोंच है। तो जो जैकोबिन कुकू है इसलिए भी साउथ अफ्रीकन बर्ड है। और ये भी जैसे कोयल है, जो कौआ है, कोयल कौए के घर में अंडे देती है तो वो पैरासिटिक उसको हम बोलते हैं कि उसको मतलब कौआ इतना इंटेलिजेंट है लेकिन कोयल उसको ना धोखा दे देती है। ये जो बर्ड है इसकी भी स्पेशलिटी यही है कि ये अपना घोंसला नहीं बनाता, आता वहाँ से अपनी ब्रीड करने के लिए है, लेकिन ये जंगल सिरड़ी एक जंगल वेबलर एक बर्ड है पंजाबी नेम है सिरड़ी, तो उसके घोंसले में ये अपने अंडे देता है। तो ये राजस्थान जंगल में पकड़ पकड़ के कोई लर्निंग नहीं है, वहाँ पर तो वो माँ बाप को देखते हैं और सीखते हैं, देखते हैं और सीखते हैं। यही रीज़न मैं कई बार बोलता हूँ कि हमारे यहाँ झूठ बोलने का स्कूल नहीं है, ठगी मारने की यूनिवर्सिटी नहीं है, धोखा देने का कोई भी मतलब कि कोई भी अकेडमिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन ये सारा कुछ चल रहा है क्योंकि हम जो बोलते हैं वो अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं लेकिन जो हम उनको दिखाते हैं ना वो सारा कुछ यही दिखाते हैं। इसलिए बच्चे दिखने जो देखते हैं उसको ज़्यादा सीखते हैं। तो लर्न थ्रू एक्सपीरियंस। ये किंगफिशर है जिसको वैसे बीयर वालों ने इसका ब्रांड बना लिया है पूरा, एक कॉमन है लेकिन जो कॉमन बर्ड है जो जिनका नाम कॉमन है वो यहाँ पंजाब में अनकॉमन है। जो व्हाइट ब्रेस्टेड है, हाँ व्हाइट ब्रेस्टेड वो कॉमन है लेकिन ये कॉमन किंगफिशर है बट ये पंजाब में अनकॉमन है, बड़ा हार्ड है इसको कैप्चर करना, बहुत छोटा सा बर्ड होता है। ये जो है स्पेक्टल पिकुलेट, इसका पंजाबी नाम मुझे पता नहीं चला, ये वैसे मैंने फ़ोटो खींची है हिमाचल में और लेकिन मैंने देरी में इसको स्पॉट किया, वहाँ भी मैंने कैप्चर किया है। इसका नाम भी मैम मदरहुड है। और ये जो फोटो है फेब 2018 में वर्ल्ड की 25 बेस्ट फोटोग्राफी में से नेशनल ज्योग्राफी चैनल के ऊपर 22वें नंबर पर आई थी। सो दिस इज स्पेकल्ड पिकुलेट। तो ये था छोटा सा पक्षियों का जानवरों का संसार। एक बार कहता हूँ कि मैं PhD के दौरान मेरी लॉन्गवाल की रजिस्ट्रेशन और IIT रुड़की का काम है और मैं हमेशा कहता हूँ, कहते हैं आप रोज जाते हो आप थकते नहीं हो, मेरे लिए नेचर जो है ना सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और जो मैंने इससे सीखा वो मैं आज तक किताबों में नहीं देख पाया। तो आप सबका जो स्टे है यहाँ शुभ, मैं भी आपके साथ ही रहूँगा, मैं तो बहुत बार रहा हूँ लेकिन एक मेरी सबको रिक्वेस्ट है कि हम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं, थोड़ा बहुत अगर 19-21 हो गया तो भाई को माफ़ कर देना, ठीक है ना। बस ये है कि कोऑपरेशन इज़ द की ऑफ द नेचर। तो और भी बहुत कुछ है लेकिन समय नहीं था, बड़ी भागदौड़ के साथ सारा किया। जंगलों में अगर मेरे साथ जाएंगे कैमरा मेरे साथ होता है तो आपको और डेप्थ में पता नहीं क्या ब्लेस होंगे। कल मॉर्निंग में जो भी यहाँ पर रुकेंगे आपके साथ जाएंगे तो जी पूरा जारे से जारे इन्फॉर्मेशन आप सबको शेयर कीजिए। और मैं जो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट, मुझे लोग पूछते हैं सर कौन सी फोटो क्या अचीवमेंट है, मैं कहता नहीं मेरी मेडिटेशन ध्यान सबर आ गया ना वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और नेचर में नेचर के साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत सी पोइट्री जो उतरी है जो मैं आपको नाइट मैंड के साथ साथ वहाँ पर रूबरू करूँगा। और लोग कहते हैं कि मैं कवि हो गया हूँ, लोग कहते हैं कि मैं कवि हो गया हूँ पर मैं तो यारो प्रकृति की छवि हो गया हूँ। लोग कहते हैं कि आप कविता सुनाते हो, लोग कहते हैं मैं कविता सुनाता हूँ, मैं कहता हूँ कविता तो दूर कहीं पीछे से आती है, मैं तो बस बीच में से हट जाता हूँ। फोन ही चलने चाहिए।
ये ऑटर से इसको हिंदी में उद बिलाव बोलते हैं, ये हमारी हरीके में ये काफी सॉरी आप करें एंजॉय, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आज हमारे बीच बड़ा ही अच्छा बैंड आया दोस्तों, एफ के बैंड, जो आज की शाम चाहे जितना भी टाइम है हमारे पास वो हमें एंजॉय करेंगे, एंटरटेन करेंगे कुछ स्पेशल सॉन्ग्स के साथ और गुफ्तगू के साथ साथ। आपका ध्यान इधर भी रहना चाहिए और इधर पंजाबी चाहिए, थोड़ा इधर रंग भी लग गई है, जे किसी ने ठंड लगे तो सेक सकते हो आगे, वह इतने ही रहना लगे क्योंकि असी नोरा फॉरेस्ट विच नारा फॉरेस्ट के बच्च है। क्योंकि मैं फस्ट टाइम आया, मैं नाम क्लीयर इस करके नहीं हो रहा, मैं सो एक्साइटेड एक्चुअली क्योंकि मैं कदे मौका नहीं मिले इदा अच्छा इंजॉय करन दा। सारी टीम जी आई हुई है उन्होंने सारे का और अंदर बड़ी अच्छी असी फुटेज वेखी है और सची मैनू लगता कि कुदरत की खूबसूरती असी अच्छे तरीके इमेजिन नहीं किया कभी। असी अपने कामों च लगे रहे, अपने फैशन च लगे, टेंशन च लगे रहे और मैनू लगता कि सानू थोड़ा जिहा टाइम कढ़ के कुदरत दे नाल मेल मिलाप करना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए है क्योंकि कितने ना कितने साढ़े साह जिहड़े है वह कुदरत दी देन है और हर एक दरख्त, हर एक पेड़, हर एक जानवर, ईवन मिट्टी तो लैके इस दुनिया दे विच, उस ब्रह्मांड दे विच जो भी है हर एक चीज़ सानू एनर्जी दिंदी है। सो मैं इस वास्ते उस परम पिता परमात्मा जो क्रिएटर है पूरे ब्रह्मांड का, मैं उन्हां दे चरणां दे विच शत शत नमन करदा, प्रणाम करदा जिन्होंने सानू साह दित्ते और इन्नी वधिया शाम enjoy karan da mauka ditta hai। So without any further delay a special song which I want to dedicate to you from my brothers jo bilkul taiyar ne aur party double ace karke ho jayegi kyunki sade zoya ma'am ji da birthday bhi hai and ek bada pyara ja surprise assi ona vaase leke aaye ha। Dosto main disclose kar hi dinna, mainu lagda hai ki hun kar dena chahida hai sade amar sir jo sade chaska production de owner ne aur jinhone sari management sambhi hui hai, वो एक स्पेशल केक लेके आए ने उन्होंने वास्ते हुशियारपुर तो। तालियां एक बार जोरदार प्लीज एवरीवन। और ये साढ़े डीसी मैम के हुक्म के नाल होया और मैं उन्होंने भी शुक्रगुजार हाँ। मिलते फिलहाल कुछ गाने एंजॉय करिए असी और साढ़े एफ के बैंड क्या आवाज है। सो आप बिल्कुल बैठे, बिल्कुल ना हो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू द ब्यूटिफुल सॉन्ग एफ के बैंड लेडीज एंड जेंटलमैन। सर नेचर फेस्ट के अंदर आज क्या क्या एक्टिविटी जो है सारी वो ऑर्गेनाइज करवाएगी? देखिए नेचर फेस्ट अब जैसे आपको पता है 1 तारीख से 5 तारीख का ऑर्गेनाइज किया हमने और 2 दिन चूंकि बारिश के कारण थोड़ा कम हो गया, लेकिन थर्ड डे कल काफ़ी एक्टिविटीज़ है, कल्चरल प्रोग्राम हुआ
आज बेसिकली नेचर फेस्ट कराने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को नेचर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें, इन्वायरमेंट के बारे में दें, बायोडाइवर्सिटी के बारे में दें, फॉरेस्ट के बारे में दें, वाइल्ड लाइफ के बारे में दें, क्योंकि जब तक लोगों को पता नहीं होगा इसका इंपॉर्टेंस तब तक वो कंजर्वेशन की भावना नहीं आएगी। तो इसका इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये फेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया था। फर्स्ट डे कल्चरल प्रोग्राम आपने देखा, जितने सारे स्टॉल्स लगे हैं, फूड के भी हैं, इवन फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी काफ़ी है। तो आज हमारी एडवेंचर स्पोर्ट्स का मेन था जिसमें जंगल सफारी, आज हम सारे टूरिस्ट को जितने नेचर एंथुसियास्ट थे उनको लेके थाना डैम गए, डेरिया गए, वहाँ पे ट्रैकिंग करा, ऑफ रोडिंग करी, वहाँ पे बोटिंग करा। और अभी शाम का जो प्रोग्राम है वो हमारा नारा डैम है। इस नारे डैम को हमारे गेस्ट हाउस है उसको हम एज ए कैंपिंग साइट उसको हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो आज हमारे 50 लोग वहाँ पे कैंप टेम्पररी कैंप्स हमने ऑर्गेनाइज करवाया है, वहाँ पे रहेंगे, इवनिंग में कल्चरल प्रोग्राम्स होगा, मॉर्निंग में फिर ट्रैकिंग होगी, 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, और थाना में उसके बाद से सारे जंगल का फील आएगा बेसिकली। और काफ़ी लोग इंटरेस्टेड, चंडीगढ़ से भी लोग आए हैं। तो ये सारी चीज़ आज का प्रोग्राम है। कल हमारा चौहाल डैम का है, वहाँ पे भी बोटिंग है, कैफे जोन है, इंटरप्रिटेशन सेंटर है, ये सारी चीज़ों का कल है। तो एक ओवरऑल एक हम नेचर प्रोडक्ट दे रहे हैं सारे होशियारपुर के लोगों को, ये सराउंडिंग लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के बारे में जानें और उसका इंपॉर्टेंस को समझें, उसको कंजर्व करें। सर, हॉट एयर बैलून और पैराग्लाइडिंग का लोग लगातार भी आनंद ले पाएंगे क्या होशियारपुर में, ऐसा भी कुछ प्रावधान किया जाएगा? जी जी, अभी इनिशियली देखिए पैराग्लाइडिंग हमने 3 महीने का ATC आदमपुर से परमिशन ले लिया है। तो उस नेचर फेस के बाद भी जब भी अगर कोई डिमांड हो गई तो डिमांड टू डिमांड बेसिस वो हम कोशिश करेंगे कि वीकेंड्स पे उसको लगवाएं, ताकि यहाँ के लोगों को मतलब हिमाचल या बीड़ बिलिंग जाना ना पड़े, होशियारपुर में ये सारी फैसिलिटीज मिल सके। तो होशियारपुर के लोगों का कैसा रुझान देखते हैं आप नेचर फेस्ट के अंदर, लोग बढ़ चढ़ कर किस तरह से हिस्से ले पा रहे हैं? जो जिला प्रशासन की ओर से जो उपराला किया गया या फिर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से नेचर के प्रति जो आप लोगों को बताना चाहते थे, कितना सफल होते देख रहे हैं खुद को? देखिए, जो कल का रिस्पांस है, जो आज का रिस्पांस है, काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, और मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया उससे ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा है कि चलो लोग यहाँ पे आए, नेचर के बारे में समझ रहे हैं, उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम पे हम इस तरह के और भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, थैंक यू।